और चलिए बड़ी खबर इसी के साथ आपको बता दें, बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आपको बता दें, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही बांद्रा कोर्ट में उनकी पेशी हुई, 14 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं राणा दंपति, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, राणा पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है, इसके बाद कामकाज में बाधा डालने का आरोप भी राणा दंपति पर लगा और अब 14 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं राणा दंपति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में कैसे यहाँ पर घमासान मचा हुआ है और इसी खबर के बीच ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि कैसे नवनीत राणा रवि राणा को बांद्रा कोर्ट लाया गया और उसके बाद 14 दिन की जेल यहाँ पर भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, राणा दंपति के जो वकील हैं वो लगातार कहते रहे कि उनकी गिरफ्तारी ही संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है। ऐसे में क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं रवि राणा और नवनीत राणा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल से देखिए, कल से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, पूरा घटनाक्रम, पूरा ड्रामा सामने आया जब हनुमान चालीसा का पाठ करने की जब चेतावनी राणा दंपति की तरफ से दी गई थी, किस तरह से शिव सैनिकों ने उनके बाहर डेरा जमा रखा था, घर से बाहर उन्हें निकलने नहीं दिया गया, उसके बाद देर शाम यहां पुलिस गिरफ्तार करती है और आज जब बांद्रा कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि जमानत की अर्जी भी दाखिल करेंगे राणा दंपति, ये भी जानकारी सामने आई है। और देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले माना यह जा रहा था कि जब कोर्ट में पेशी होगी तो मुंबई पुलिस कस्टडी मांग सकती है, लेकिन कस्टडी मुंबई पुलिस को नहीं मिली है, यानी कि जेल भेज दिया गया है 14 दिन के लिए। अब जमानत के लिए जरूर अप्लाई कर सकेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो यही कहा जा रहा था, पूरे महाराष्ट्र में एक ही आवाज उठती हुई विपक्ष की ओर से नजर आ रही थी कि ये सब असंवैधानिक इस वक्त हो रहा है और अब जेल भेज दिया जाना। देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इस वक्त जो तमाम बयानबाजी भी हम सुन रहे हैं उस बीच अब राणा दंपति को 14 दिन की जेल हो चुकी है। सीधा रुक करते हैं इस वक्त शालिनी, हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। शालिनी, मुंबई पुलिस कस्टडी में लेना चाहती थी लेकिन 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। बिल्कुल, ये बड़ा झटका मुंबई पुलिस के लिए यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि 14 दिन की कस्टडी में, न्यायिक कस्टडी में भेजा गया है। दोनों बातों का जो फर्क है मुझे लगता है दर्शकों को वो भी मुझे बताना चाहिए। ये सामने आप फिलहाल बांद्रा कोर्ट की तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप देखिए, दोनों का फर्क ये है कि जब पुलिस को कस्टडी दी जाती है तो फिजिकल तौर पर जो आरोपी रहता है वो पुलिस के पास रहता है और ऐसे में कभी भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन न्यायिक हिरासत में जब भेजा जाता है तो मतलब जो आरोपी है उसे जेल भेजा गया है और इस स्थिति में पुलिस अगर पूछताछ करना चाहती है तो पहले मजिस्ट्रेट का आदेश लेना जरूरी होता है। और देखिए, इस स्थिति में कभी भी पुलिस जो हिरासत की प्रकृति है, मतलब अभी अगर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस को ये बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। और इसी के साथ ये भी आपको बताऊं कि खबरें ये अब हैं कि अब आगे राणा दंपति बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये अब उनके पास अगला कदम है, लेकिन मुंबई पुलिस को यहाँ पर ये बड़ा झटका लगता हुआ लवीना दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए शालिनी, हम सुबह से ही बात भी कर रहे हैं, आप भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि किस तरह से यहाँ एक सांसद और विधायक को आप ऐसे तुरंत आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और यही जाहिर तौर पर दलील के तौर पर भी इसे पेश किया गया होगा राणा दंपति के वकील की तरफ से। तो ऐसे में क्या मजबूती से ये पक्ष उनके सुने नहीं गए या फिर जो दूसरा पक्ष है वो ज्यादा हावी रहा? अब देखिए, जो रिजवान मर्चेंट थे उनकी तरफ से ये बातें कही गई कोर्ट के अंदर कि 153A के तहत जो मामला दर्ज किया गया था वो गलत दर्ज किया गया था। उनकी तरफ से तमाम जो दलीलें थी वो भी रखी गई कोर्ट के सामने, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी शालिनी, आपकी आवाज मिल रही है, अपनी बात पूरी करिए। लवीना, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी, मैं कह रही थी कि FIR को भी गलत करार दिया गया मर्चेंट की तरफ से, रिजवान मर्चेंट की तरफ से। उन्होंने कहा FIR जो दर्ज की गई वो भी गलत दर्ज की गई, 153A के तहत जो केस दर्ज किया गया वो भी गलत दर्ज किया गया, बावजूद इसके न्यायिक हिरासत में तो फिलहाल भेज ही दिया गया राणा दंपति को। अब अगला उनके पास जो मौका है वो बेल का है और उसके लिए जाहिर सी बात है आगे अप्लाई जरूर वो करेंगे। जी, और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उससे पहले तस्वीरें आपने दिखाई थी, भारी सुरक्षा यहाँ पर थी। शालिनी, जरा तस्वीरें भी आप दिखाइए।
कोर्ट की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा है, अंदर किसी को भी मौजूद रहने का आदेश नहीं था और इसलिए देखिए अंदर जो कुछ भी हुआ वो बाहर तक जो खबरें छन के आई उसी के जरिए हम आपको बता रहे हैं। मीडिया पर्सन अंदर अलाउड नहीं थे, भारी सुरक्षा बल अभी भी आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर रोड के दूसरे साइड खड़ी हूँ और मेरे विजय राजेश को मैं कहूँगी कि इधर की तस्वीरें भी ज़रा दिखा दें। रोड के दूसरे साइड भी पुख्ता इंतजाम है पुलिस के, इधर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। अच्छा, मीडिया का जमावड़ा होने के चलते यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी खासा बाधित होता हुआ शुरू में दिखाई दिया था, तो उसके इंतजाम भी यहाँ पर अभी फिलहाल व्यापक कर दिए गए हैं। आप सामने देखें, आपको पुलिस की बस दिखाई दे रही होगी, यही बस जब उधर सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से निकली थी तब भी वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से राणा दंपति को यहाँ लाया गया था बांद्रा कोर्ट तक। अब वापस बस लग चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब कुछ ही वक्त में राणा दंपति बाहर आएंगे और फिर आगे उन्हें जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है वो आगे जाएंगे और उनके वकील की तरफ से जाहिर सी बात है ज़रूर बेल के लिए आगे अप्लाई किया जाएगा। मुझे लगता है हमें दूसरी तरफ राजेश चलना चाहिए, ये मैं रोड के इस साइड थी ताकि आप तक तस्वीरें ठीक से पहुंचा सकूं। के बाहर की तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ बड़ी संख्या में मीडिया वाले भी मौजूद हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। मीडिया वाले दरअसल यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जब राणा दंपति बाहर आएंगे तो वो क्या यहाँ पर कोई बाइट दे पाते हैं या फिर नहीं। हलचल तेज हो चुकी है और वकील बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वकील बाहर आए, बात करने की कोशिश करते हैं हम। अरे सरकारी वकील बाहर आए हैं, सरकारी वकील बोले सर, बोला आज कोर्ट में अतुल बोलता हूँ। तो चलिए अभी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बांद्रा हॉलिडे कोर्ट से, जहां कुछ देर पहले ही ये जानकारी सामने है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राणा दंपति को भेज दिया गया है। हालांकि ये तस्वीरें आप कोर्ट के बाहर से देख रहे हैं क्योंकि मीडिया यहां पर अब सिर्फ इंतजार कर रही है कि कोई भी राणा दंपति के पक्ष से या तो उनके वकील आए या जब वो खुद बाहर आए तो वो क्या कुछ बयान इस पर देंगे, क्योंकि जिस तरह से घमासान इस पूरे मामले को लेकर और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब 14 दिन की जेल में भेज दिया गया है राणा दंपति को। ऐसे में सभी जो है जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है, क्या कुछ दलीलें की गई हैं। तमाम जो जानकारी है वो भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। शालिनी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बनी हुई है, तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप बांद्रा हॉलिडे कोर्ट से लाइव देख रहे हैं। और देखिए इस वक्त जो सरकारी वकील है वो यहाँ पर बाहर आए हैं और वकील उस पर क्या कुछ कहते हैं, अंदर क्या हुआ, कौन सी दलीलें रखी गई, दूसरे पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये सब इस वक्त जानने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि यही सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ पूरा देश भी पूछ रहा है, 14 दिन की जेल जरूर यहां से भेज दिया गया है, अगला कदम उनके पास अपनी जमानत फाइल करने का होगा, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ, वकील क्या कुछ कहेंगे देखना होगा। लगा आप लोगों ने यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या कोई फंडिंग की भी बात आपने कही थी, फंडिंग या किसी के कहने पर आरोपींना आज जेल कस्टडी देऊन त्यांनी जो आज त्यांनी लगेच बेल ऍप्लिकेशन केलं, त्या बेल ऍप्लिकेशनवर आम्हाला आमचं लेखी म्हणणं 27 तारखेला मांडायला सांगितलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे त्याचप्रमाणे बेल ऍप्लिकेशन आमचा युक्तिवाद 29 तारखेला होणार आहे। ठीक आहे, थँक्यू सर, थँक्यू थँक्यू थँक्यू। याच्यामध्ये 124 सेडिशनचा चार्ज लावण्यात आलेला आहे। देखिए उनके वकील को आपने सुना, एक बार फिर से शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, क्या उनके वकील की ओर से यहाँ पर कहा गया? आ,
बहुत मुश्किल है लवीना सुन पाना, वो आप देख पा रही हैं उधर जो सरकारी वकील हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो राणा दंपति के वकील थे उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जो सामाजिक सौहार्द खराब करने और धारा 153A लगाने का मामला है वो ठीक नहीं है और इस तरह का कोई भी काम उनके मुवक्किल की तरफ से नहीं किया गया है, तो ये बात उनकी तरफ से कही गई। मुझे आवाज़ बहुत इको हो रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार आप लोगों के सामने हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ मीडिया का काफ़ी हुजूम है, आगे तक पहुंच पाना भी मुश्किल है क्योंकि जो सरकारी वकील है ना वो ये जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर दूसरे साइड चले गए हैं, मतलब पहले वो कुछ वक्त के लिए बाहर ज़रूर आए थे, मुझे लगता है 15 से 20 सेकंड वो रहे होंगे, अब वो वापस चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और मीडिया उस रेलिंग के दूसरी। चलिए एक बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए शालिनी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रही हैं। बांद्रा हॉलीडे कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है और जमानत की अर्जी अब दाखिल करेगा आगे राणा दंपति, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राणा दंपति को भेज दिया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की। और आगे देखना होगा कि कैसे यहां से जमानत कैसे फाइल की जाती है, कैसे बेल अप्लाई किया जाता है और कितने दिन जेल में रहना होगा, ये भी यहां से बड़ा सवाल है, क्योंकि 14 दिन के लिए जेल में जरूर भेज दिया है लेकिन विकल्प अभी भी राणा दंपति के पास है। बड़ी तादाद में वहां पर जो लोग हैं, जो मीडियाकर्मी हैं, वो भी इस वक्त यही जानना चाह रहे थे। आपने देखा कि जो सरकारी वकील थे वो भी यहां पर बाहर निकले, उनकी ओर से कहा गया कि जो तमाम धाराएं लगाई गई हैं वो असंवैधानिक है, गलत है और उसको लेकर कैसे आवाज उठाई जाएगी ये भी देखना होगा। एक बार फिर से शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, अब यहां से सवाल ये भी उठ रहा है 14 दिन के लिए जेल जरूर भेज दिया है, अगर जमानत का विकल्प है भी क्या माना जाए, पूरी प्रोसेस में कितना समय लगेगा, कितने दिन जेल में रहना पड़ सकता है? और देखिए ये समझना होगा क्योंकि अभी तक राणा दंपति के जो वकील हैं वो बाहर नहीं आए हैं, रिजवान मर्चेंट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो जब वो बाहर आते हैं और उसके बाद वो आगे बताएंगे कि किस तरह की कवायद उनकी तरफ से आगे की जाएगी, लेकिन अभी तक जो मर्चेंट हैं वो बाहर आए नहीं हैं, रिजवान मर्चेंट उनका इंतजार ही कर रहे हैं। सरकारी वकील ज़रूर बाहर आए हैं लेकिन वो खास मीडिया से बात कर नहीं रहे, बाहर आने के बाद वो तुरंत अंदर चले गए, पुलिस ने वापस से रेलिंग लगा दी और वो अंदर से ही कुछ लोगों से उन्होंने जो आगे की तरफ खड़े हुए मीडिया हाउस आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे बात करें, अब देखिए उनको भी पीछे ढकेल दिया गया है, अब पुलिस वापस से गेट के ऊपर खड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो सरकारी वकील भी अभी फिलहाल अंदर चले गए हैं और रिजवान मर्चेंट से भी बात नहीं हो पाई है। तो लवीना, आगे का उनका कदम क्या होता है, कब वो अप्लाई करेंगे, कितना वक्त इसमें लगेगा, ये सलीम, ये रिजवान मर्चेंट एक बार जब सामने आएंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा लवीना। और बड़ी खबर ये भी आ रही है, देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 29 अप्रैल को जो है वो अगली सुनवाई पूरे मामले पर की जाएगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए जिस तरह से शालिनी पूरा मामला देखने को मिला है और जिस तरह से सियासत हुई है, जाहिर तौर पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजना मुश्किल है, अब यहां से और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी राणा दंपति के लिए। शालिनी, एक अपडेट इसी में और मिल रहा है, वो भी आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि राणा दंपति आज ही बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि अभी रिजवान मर्चेंट जब बाहर आएंगे तो उनसे अगर बातचीत हो पाती है तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल अपडेट यही मिल रहा है कि आज बेल के लिए अप्लाई कर देंगे राणा दंपति, ये बड़ा अपडेट इस मामले में, बेल के लिए अप्लाई आज ही कर सकते हैं, हालांकि मैं फिलहाल सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रही हूँ, लेकिन एक बार जब रिजवान मर्चेंट बाहर आएंगे तो और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी ठीक है शालिनी, देखना होगा कि जब उनके वकील बाहर आते हैं तो फिर क्या कुछ कहते हैं, आप नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से शालिनी आपका रुख करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, इस खबर से जुड़ी अपडेट आपको देखेंगे।